बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जहां तक इसके जो फजाइल फवायद का ताल्लुक है, एक फ़ायदा ये कि अगर इंसान पर तंगदस्ती है, गुरबत है, फ़क्र व फाका है और वो चाहता है कि मानवी और मादी दोनों एतबार से मालदार हो जाऊँ, ज़ाहिर बातिन के एतबार से गिना मिल जाए, तो दो रकात नमाज हाजत की नीयत से नफिल पढ़े। अच्छा, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा ये सूरह कौसर पढ़े। अच्छा, हाँ, और जब सलाम फेरे तो ये जो दुआ है, अल्लाहुम्म इक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका व अग़निनी बि फज़लिका अम्मन सिवाका, ये हदीस की दुआ है। ये दुआ जो है 11 मरतबा पढ़े, अच्छा पढ़ के जो है अल्लाह से खैर मांग ले, तो इसकी पाबंदी कर ले, ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर ले, इंशाल्लाह ज़बरदस्त इसका नफ़ा है कि आप ये खुशहाली के जो है दस्तरखान बिछ जाएंगे, अल्लाह ऐसा खैर कसीर अल्लाह ताला फरमाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर जो सर में दर्द है और सर का दर्द जाता नहीं है, दवाएँ भी इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह के टोटके कर लिए, जाता नहीं है, तो सूरह कौसर जो है 7 मरतबा पढ़ के खुद पढ़ के दम कर ले, या कोई दूसरा पढ़ के उसके ऊपर ये 3 मरतबा फूंक दे, तो इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा करने पर जो है कैसा भी सर का दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा, सुभान अल्लाह। इसरो कौसर। और तीसरा, अगर पेट में दर्द है, पेट में दर्द है या अल्सर की तकलीफ आमतौर पर हो जाती है, उसकी जलन है, तो 7 मरतबा यही सूरत जो है सूरह कौसर पढ़ के एक चुटकी नमक यूँ ली और पढ़ के उसके ऊपर दम किया और वो चाट ली, अच्छा, या किसी दूसरे ने पढ़ के दम किया और उसको चटा दी, बच्चा है या बड़ा है, तो जनाब वो 1-2 दफ़ा चटाने में ही इंशाल्लाह जो है उसके पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर सुबह चटा दी है, अब दूसरी चुटकी शाम को चटाएं, तो इंशाल्लाह जो 2-3 दिन में ही जो किसी किस्म की पेट की तकलीफ जो वो रफ़ा हो जाती है। और एक फ़ायदा ये कि अगर दुश्मन है और वो सताता है, तंग करता है, हर तरह तकलीफ पहुँचाता है, तो रोज़ाना 41 मरतबा ये जो है सूरह कौसर पड़ी जाए, ख़ासतौर पर वो दुश्मन कि जो से अकेला नहीं है बल्कि पूरा एक जो है वो जत्था है दुश्मनों का, वो मिल के आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, मिल के आपके खिलाफ जो है वो जोड़ तोड़ करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ऐसे जत्थे को तोड़ने के लिए, ताकि आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाए और ये इनका जो है वो शराजा बिखर जाए, तो 41 मरतबा आपने इसी नीयत से पढ़ना है कि ताकि इनका आपस का जो जोर है वो तशद्दुद का शिकार हो जाए। अच्छा, तो ये 41 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो दुआ कर लें, इंशाल्लाह ये 21 दिन करेंगे, 21 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की जो है वो साजिशी लोग होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला तितर बितर कर देंगे, ये इसका नफ़ा है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान जो है इसको 313 मरतबा पढ़े रोज़, 313 मरतबा पढ़े, तो किसी भी किस्म की हाजत है, किसी किस्म की कोई बीमारी है या किसी भी किस्म के दुश्मन है, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखेंगे, उसमें आप अपनी भी नियत कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों की, नस्लों की भी नियत कर सकते हैं, 313 दफ़ा रोज़ाना सूरह कौसर पढ़ने का एहतमाम। सुभान, और अव्वल आखिर जो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से किसी भी किस्म का दुश्मन ठहरेगा नहीं और ना कोई दुश्मनी कर पाएगा, और इसी तरीके से अगर जो है कोई बीमारी और तकलीफ पहुँचे, खतरा है, तो वो भी दूर हो जाएगा और आप महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये सब फ़वाद है। और बाकी जहाँ तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, एक इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मालदार बनाएंगे और इसका माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, अल्लाह इसको जो अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाएंगे। और दूसरा मतलब यह है कि इसके जो दुश्मन है वो मग़लूब और ज़ेर होंगे, जो दुश्मन है इसको सताना चाहते हैं या दुश्मन इन पर हमलावर होना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसको दुश्मन से महफूज रखेगा और ये जो है दुश्मन से महफूज रहकर, बल्कि दुश्मन ही जो नुकसान उठा के वहाँ से दौड़ेंगे, ये इसका मतलब। और तीसरा मतलब यह है कि अल्लाह दीन और दुनिया और आखिरत की सारी खैरें इसको अता करेंगे, बशर्तिया के ये ईमान और अमले साले के रास्ते पर कायम रहेगा, यानी फसल्ली रब्बी का वनहर, ये जो हकीकत बयान की है ये इसके ऊपर अगर कायम रहेगा, और लिरबी का की कैद चूँकि इसमें लगाई रब के लिए, इसका मतलब रिया के लिए ना हो, रज़ा के लिए हो, रज़ा के लिए इसकी ये इबादत कुर्बानी वो रज़ा के लिए होनी चाहिए अल्लाह की, ये दुनिया के रिया के लिए ना हो, बस ये अगर करेगा इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया की खैर इसको अता फरमाएंगे। सुभान, ये इसके ख्वाबों में ताबी। सुभान, छोटी सी सूरत, कुरान की सबसे छोटी सूरत और इतने कसीर इसके फ़ायदे हैं। बिल्कुल, तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये सूरतों का जो तज़किरा है ये हमेशा हमें एक नया इनसाइट देता है कुरान की, और एक नया शौक़ और वलवला पैदा करता है। और ये देख लें आपकी सबसे छोटी सूरत, इसके भी किस कदर मुनाफे हैं। तो अक्लमंद इंसान तो वही है कि इनको अपनी ज़िंदगी में जल्द अज़ जल्द इनको शामिल करें और इनके फ़वाद ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें।